नमस्कार दोस्तों हर्ष द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर आज से करीब 93 थ्री ईयर्स पहले एग्जैक्टली exactly, 18 1930 को प्लूटो डिस्कवर हुआ था एज द ऑफ सोलर सिस्टम पर आप सबको पता है दोस्तों 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन प्लूटो का प्लान स्टेटस रिमूव किया और इसे डॉ प्लान कैटेगरी में डाला तो अभी के हिसाब से हमारा सोलर सिस्टम में केवल आठ प्लान

तो इस बेल्ट में एक प्लैनेट है प्लूटो जो काजम स्टेर डिस्क इन सोलर सिस्टम एक्सटेंडिंग एस्ट्रोनोमेटली फिफ्टी एस्ट्रोनोमिकल यूनिट्स फ्रॉम द सन तो देखिए नेपट्ट्यून का जो ऑर्बिट है इधर जो आपको दिख रहा है इधर से थर्टी एस्ट्रोनोमिकल यूनिट्स एंड फिफ्टी एस्ट्रोनोमिकल यूनिट्स के बीच में एक रीजन है दोस्तों बेल्ट अब आप पूछोगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब क्या होता है देखिए वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज रफली टू द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन मतलब करीबी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन किलोमीटर है दोस्तों वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो आप इमेजिन कर सकते हैं नेपट्ट्यून का जो ऑर्बिट है उधर से थर्टी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स एंड फिफ्टी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बीच में एक रीजन है कैपर बेल्ट जहां पे आपको

Orcus, homea, core, make -make, etc. वापस प्लूटो में आते हैं जैसे मैंने आपको बोला प्लूटो एक डॉफ Planet है इन द काइपर बेल्ट काइपर बेल्ट क्या है आई होप आपको समझ में आ गया ना प्लूटो का साइज जो है दोस्तों मून से भी छोटा है ठीक है नो प्लूटो में ब्लू है, स्पिनिंग मूनस है माउंटेन है ठीक है एंड स्नो भी है बट प्लूटो में जो स्नो है उसका कलर रेड प्लूटो में स्नो रेड कलर होने का कारण प्लूटो का केमिकल कंपोजिशन है देखिए अर्थ में स्नो का कलर व्हाइट है बिकॉज स्नो में मेजर कंपोनेंट जो है वो पानी है है नहीं वेरास प्लूटो में स्नो के अंदर जो मेजर कंपोनेंट है वो कई सारे केमिकल्स है वैसे प्लूटो का एटमोसफियर में आपको मीथेन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ये सब देखने को मिलेगा जैसे मैंने आपको बोला प्लूटो में जो स्काई है वो ब्लू कलर है बट स्नो जो है वो रेड कलर है ठीक है ना प्लूटो इज थ्री पॉइंट सिक्स बिलियन माइल्स फ्रॉम द सन फोर्टी टाइम्स द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन तो अर्थ एंड सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसे चालीस गुना ज्यादा डिस्टेंस है सन एंड प्लूटो के बीच में एंड ए सिंगल ईयर टेक्स टू फोर्टी एट अर्थ ईयर्स तो बेसिकली प्लूटो का रेवोल्यूशन टाइम इधर बताया जा रहा है दोस्तों ठीक है टू फोर्टी टू अर्थ ईयरस है वन सिंगल ईयर इन प्लूटो एंड दिस मेक्स प्लूटो ये कोल्ड प्लेस कवर्ड विथ आइस एंड इट्स सर्फस इज बिटवीन नेगेटिव थ्री हंड्रेड एंड सेवनटी एट टू नेगेटिव थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स डिग्रीज फैर एन हीट देखिए दोस्तों माइनस थ्री सेवनटी एट टू माइनस थ्री नाइनटी सिक्स डिग्री फैर एन हीट है प्लूटो का जो सर्फस टेम्परेचर है

तो बेसिकली वो ऑब्जेक्ट जो है प्लैनेट कहने के लिए सन को ऑर्बिट करना चाहिए तो देखिए प्लूटो ये वाला क्राइटेरिया को तो मीट कर रहा है क्योंकि प्लूटो इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन अभी-अभी मैंने आपको बताया प्लूटो टेक्स 248 अर्थ ईयर्स टू कंप्लीट वन सन ठीक है तो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं इट मस्ट बी बिग एनफू शेप मतलब एक ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट का शेप स्फिरल होगा आप कंफ्यूज हो गया होगा एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूं हमारा अर्थ का ही बात कर लेते हैं आप सबको मालूम है अर्थ का शेप जो है राउंड है या फिर आप बोल सकते हैं अर्थ इज स्पीरिकल क्यों है बिकॉज ऑफ अर्थ ग्राविटी देखिए अर्थ की जो ग्रेविटी है वो अर्थ को सारे साइड से अंदर की तरफ खींचते हैं है नहीं? अब सारे साइड से जो अंदर की तरफ फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल है ना ऐसा नहीं वेस्टर्न साइड में ज्यादा है और ईस्टर्न साइड में कम है सारे साइड से अंदर की तरफ जो फोर्स है वो इक्वल है इस वजह से अर्थ का जो शेप है वो राउंड है यही केस है दोस्तों बाकी सारे प्लैनेट्स का तो सेकंड क्राइटेरिया क्या कह रहा है एक ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी की वजह से वो ऑब्जेक्ट का शेप राउंड होना चाहिए या फिर स्फेरिकल होना चाहिए तो ये सेकेंड क्राइटेरिया भी हमारा प्लूटो जो है फुलफिल कर रहा है क्योंकि प्लूटो का भी शेप जो है है क्यों है प्लूटो की ग्रेविटी की वजह से नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट इट मस्ट बी बिग एनफ दैट इट्स ग्रेविटी क्लियर अवे एनी अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सिमिलर साइज नियर इट्स द सन ये पॉइंट की वजह से प्लूटो का प्लान स्टेटस चला गया था दोस्तों क्या लिखा है एक ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी की वजह से वो ऑब्जेक्ट के आसपास में सिमिलर साइज का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए बट काइपर बेल्ट में प्लूटो का सिमिलर साइज का कई और ऑब्जेक्ट है दोस्तों मतलब प्लूटो की ग्रेविटी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि प्लूटो का ऑर्बिट में से सिमिलर साइज के ऑब्जेक्ट्स को प्लूटो भगा पा रहा है ठीक है देखिए क्या लिखा है इपर बेल्ट कंटेन ओवर वन लैक डिस्कवर्ड स्मॉल ऑब्जेक्ट तो देखिए एक लाख से ज्यादा ऐसे है बेल्ट में जिसका डायमीटर हंड्रेड किलोमीटर से ज्यादा है अगर प्लूटो की ग्रेविटी उतना स्ट्रॉन्ग होता ये सारे ऑब्जेक्ट्स भाग जाते प्लूटो से तो ये वाला क्राइटेरिया नहीं मीट करने की वजह से प्लूटो का प्लेनेट स्टेटस रिमूव किया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में और प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट वाला स्टेटस दिया अब ड्वार्फ प्लैनेट वाला स्टेटस देने का रीजन क्या है बिकॉज़ पहले वाला दो कंडीशंस जो है प्लूटो फुलफिल कर रहा है तो दोस्तों दैट्स इट प्लूटो जी का बर्थडे था आज इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा थैंक यू फॉर वाचिंग बाय-बाय हैव